आप लौट कर आए हैं मणिपुर से, 21 उनके सांसद लौट कर आए हैं, राष्ट्रपति से मिलने जा सकते हैं, लेकिन सदन के अंदर बहस में शामिल नहीं होंगे, इसका जवाब तो उन्हीं को ना देना। कौन भाग रहा और कौन जवाब देगा तो सरकार तय करेगी ना, आप नहीं तय करेंगे कि एक्स करे कि वाई करे कि जेड करे। और अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है, अविश्वास प्रस्ताव में पूरी पार्टी की पीएम जवाब देते हैं, तो जब भी वहाँ पर आएगा तो पीएम जवाब देंगे। और केवल मणिपुर पर चर्चा क्यों होगी, देश के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, उन पर भी जवाब होगा। अगर मणिपुर पर बहस होती तो फिर मणिपुर तक सीमित रहता, लेकिन अब तो अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो देश के सभी मुद्दों पर चर्चा होगी, सभी मुद्दों को उठाने का अधिकार है और सभी मुद्दों पर जवाब दिया जा सकता है।